तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एसजी ब्रदर्स। और आज हम सीखने वाले हैं लेजी वॉल्ट। तो लेजी वॉल्ट होता कैसे है, ये हमेशा की तरह सबसे पहले हम आपको डेमोंस्ट्रेशन दिखाएंगे, उसके बाद चलते हैं लेजी वॉल्ट के ट्यूटोरियल की तरफ। So guys, progression number first. First progression में सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको ऐसी जगह चूज करनी है कि आपके कमर के थोड़ा नीचे रहे। उसके बाद आपको पहले सबसे पहले ये करना है कि आपके हाथ ऑब्स्टिकल पर रहकर आपको दोनों पैर ऑब्स्टिकल के साइड में लाना है। एक और बार करेंगे 1, 2 and 3। फिर से एक और बार करना है 1, 2 and 3। ये आपको 10 से 15 सेकेंड तक करना है और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्रेशन की तरफ। So guys, what will we do in the next progression? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका ऑब्स्टेकल कमर के लेवल में हो। उसके बाद आपको ये करना है कि आपको हाथ ऑब्स्टेकल पर रखना है और आपको पैर इस तरह से हवा में फेंकना है। ये आपको 10 से 15 बार करना है। सो हम अभी करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 and 15। उसके बाद हमें दूसरी ट्रिक ये आजमानी है कि हमने छोटे वाले बार पर जैसा प्रैक्टिस किया था वो हमें थोड़े से बड़े बार पर करना है, इसलिए 1, 2, 3 and start। फिर से एक और बार देखेंगे कि पैरों का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए। सो 1, 2, 3 and सो गाइस, जैसा आप पैरों का प्लेसमेंट लेजी वॉल्ट में ज़रूरी होता है, वैसे ही हाथों का प्लेसमेंट भी लेजी वॉल्ट में बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको एक हाथ रखना है, जैसे हम आपको पहले बता ही चुके हैं। तो उसके बाद हमें सबसे पहले दोनों पैर ऑब्स्टिकल के बीच में लाना है और आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा कि दूसरा हाथ जो है वो ऑब्स्टिकल के इधर रहना चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका ऑब्स्टिकल पर हाथों का प्लेसमेंट पूरा परफेक्ट तरीके से हो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा काम हाथों का ही रहता है। तो आपको हाथों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका एल्बो ऑब्स्टिकल पे से लग जाए। इसलिए सबसे पहले आपको हाथों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो हम फिर से करेंगे 1, 2, 3 and go। फिर से एक और बार देख लीजिए हम कैसा करते हैं। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी वॉल्ट सेफ्टली सराउंडिंग में करना है आपको, क्योंकि आजू बाजू की सराउंडिंग बहुत मैटर करती है कि आप कौन सी जगह चूज करते हैं, किस तरह का आप ऑब्स्टिकल चूज करते हैं कोई भी वॉल्ट करने के लिए और किस तरह की जगह आप चूज करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा कि आप कोई भी वॉल्ट सीखे, ध्यान से सीखे। और यहीं पर मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। एंड फाइनली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कौन से मूव पर, कौन से वॉल्ट पर आपको ये वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।